बेसिकली मैं चाह क्या रहा हूँ कि दो तरह की एप्स, वही जो आपने पहले बनाया है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगेन हम किसी नई एपीआई को तब तक मतलब उस पर जाओ, जस्ट जो हमने एपीआई डिस्कवर किया ना उसी के अंदर अगर रह के हम लोग, कि मेरा व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो मैं ड्रा कर रहा हूँ नजर आ रहा है। जी नजर आ रहा है। अच्छा, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई मेजर स्क्रीन हो और उसके अंदर क्या हो, बेसिकली इसी तरह हमारे पास अगर लव कैल बनाना है तो टेक्स्ट इनपुट हो एक, जिसके अंदर कोई प्लेस होल्डर वगैरह हो रहा हो, मेल का नेम हो या फर्स्ट नेम हो, और यहाँ पे हमारे पास इस तरह एक फर्स्ट टेक्स्ट इनपुट हो गया, और इसी तरह हमारे पास कोई दूसरा टेक्स्ट इनपुट हो, ठीक है, दो टेक्स्ट इनपुट हो, सही है जी। और दोनों टेक्स्ट इनपुट से पहले क्या हो हमारे पास, ये चैलेंज है छोटा सा, किया हुआ है। मैं इसलिए कोई नई एपीआई पे नहीं लेके जा रहा कि जस्ट वो चीजें हो, ये उसी तरह हो जिस तरह थोड़ी थोड़ी मार्जिन, ये मार्जिन में दे रहा हूँ ना, या इसको पैडिंग ले लो उस व्यू के हद तक, मार्जिन ले लो पेरेंट के हद तक, ओ सॉरी चाइल्ड के हद तक, अगर पेरेंट से होगा तो पैडिंग होगा, चाइल्ड से होगा तो मार्जिन होगा, क्योंकि चाइल्ड में सब में से देना पड़ेगा। खैर इसको इस तरह ले लो, और यहाँ पे हमारे पास कोई ऊपर ऐप का कोई हो हमारे पास हेडर हो, उल्टा क्यों हो गया हेडर, अच्छा ऐप का कोई पर्पस हो हेडर, जिसमें दरमियान में खूबसूरत सा लिखा हो, हाँ इस तरह द कैलकुलेटर, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हो कोई, मान लो कि कोई हमारे पास यहाँ पे कह लो कि बटन हो, ठीक है, और उस बटन के नीचे हमारे पास क्या हो कोई एवाटार टेक्स्ट हो जिसके अंदर परसेंटेज आ रही हो, ठीक है, और उस एवाटार टेक्स्ट के नीचे अगेन हमारे पास क्या हो कोई इस किस्म का कोई व्यू हो, जिसके अंदर वो जो रिजल्ट था ना, जो स्ट्रिंग थी ऑल दी बेस्ट और ट्राई अगेन, उस तरह की जो स्ट्रिंग साथ हमारे पास एपीआई में थी वो हो, कुछ समझ लग गई ओवरऑल मैं क्या चाह रहा हूँ। इसके अंदर मान लो हमारे पास प्लेस होल्डर आ रहा हो फर्स्ट नेम, उसके अंदर प्लेस होल्डर आ रहा हो। अच्छा आपने भी जब प्रोफेशनली भी ये चीजें बनानी है ना, तो इस तरह आपने उनके कह लो कि ब्लू प्रिंट्स कह लो, या कह लो इसको एंड्रॉइड में तो हम ब्लू प्रिंट कहते हैं, या हम ओवरऑल इसको कह लो कि पेपर वर्क ये करना है आपने, ठीक है, उससे क्या होता है, देखो पूरा व्यू क्लियर हो रहा है ना कि हम करना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, और उसके बाद हमारे पास जो बटन है ना उसके ऊपर मान लो लिखा हो कैलकुलेट। अगर मैं वैसे आपको बताया था तो सब में आप में से मुझे पूछना था, तो मैंने इसलिए क्या कहा यहाँ पे क्लियर कर दूँ, कैलकुलेट नहीं एपीआई पे नहीं लेके जा रहा बल्कि उसी पे करवा रहा हूँ। अब बनाना है देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कैलकुलेट हो यहाँ पे मान लो कि जैसे आ रहा हो, यहाँ पे कोई परसेंटेज आ रही हो मान लो 99%, अब आपने ना बनाया तो मुझे अफसोस बड़ा हो रहा है, सही है, और यहाँ पे कोई आ रहा हो कोई स्ट्रिंग मान लो जैसे थी हमारे पास ऑल दी बेस्ट, कुछ इस तरह से, ठीक है ये बना लो, सही है। अगर आपने फ्लैट लिस्ट को नहीं पढ़ा, अगर आपने फ्लैट लिस्ट और कस्टम फ्लैट लिस्ट को पढ़ लिया है तो उसके अलावा आप बना लो वही अर्थक्वेक की एप्लीकेशन, तो मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, तो यहाँ पे मैं अर्थक्वेक लिख दूंगा, यहाँ पे ये लिख दूंगा, और यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हम बना सकते हैं कुछ इस तरह की जिसमें
इसके अंदर हो बेसिकली। और यहाँ पे हमारे पास वो गेन टेक्स्ट अर्थक्वेक, कुछ समझ रहे हो ना मैं क्या चाह रहा हूँ आपसे? नहीं समझ रहे, कोई नहीं बोलेंगे। यहाँ पे मिनिमम मैग हो और यहाँ पे हमारे पास कोई मैक्सिमम मैग हो। ये मैं जस्ट प्लेस होल्डर दे रहा हूँ, मैं टेक्स्ट पे फोकस नहीं कर रहा इसका डिजाइन कैसा बन रहा है, क्योंकि तुम लोग तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, तो मैं यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा उसके अलावा हमारे पास क्या हो, यहाँ पे कैलकुलेट का बटन प्रेस करने के साथ ना यहाँ पे हमारे सामने डाटा दे दे। अगर अगर फ्लैट लिस्ट को नहीं पढ़ा तो डाटा दे दे, जस्ट वैसे ही सिंपल हमारे पास ओवरऑल पूरे व्यू में जो डाटा था उसको कर लो किसी भी फॉर्मेट में। मैं आप लोगों को फॉर्मेट नहीं गिवन करूँगा, जस्ट पर्पस क्या होगा कि आप उसको यूआई के साथ प्रोसेस करना देख लो, बटन के प्रेस पे कैसे हुक्स को यूज करेंगे हम लोग। बड़े सारे मसलम साइल आएंगे अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे, हो सकता है मसलम साइल आए। अगर आप लोगों ने लिस्ट को पढ़ लिया है तो उसके अंदर आप चीज ये ऐड करो कि हमारे पास जो डाटा है ना वो ओवरऑल मतलब पूरा का पूरा ना आए, बल्कि लिस्ट के अंदर हर एक उसका टाइटल आ रहा हो इधर पे, जैसे मैग्नीट्यूड आ रहा हो, टाइटल आ रहा हो, तो आप जिस पे क्लिक करो ना तो कोई नेक्स्ट स्क्रीन पर चला दे जिस पे उसकी डिटेल शो कर दे। किसी भी वे से आप उसको कर सकते हो, ठीक है? ओके जी, तो इस किस्म का मैं कुछ चाह रहा ओके हूँ, ये भी क्लियर होगा हमारे पास। अब ये हमारे पास एज असाइनमेंट भी हमें प्रॉपरली मतलब मिल गया है कि क्या करना है हमें। मैंने भी साथ करना है, मैं भी अंदर ही हूँ, ये नहीं कि आपको दे रहा हूँ, मैं भी खुद को भी दे रहा हूँ साथ। मैं यहाँ पे एज अ मतलब ओवरव्यू के इंस्ट्रक्ट भी कर रहा हूँ और साथ ऐसा इसको सीख भी रहा हूँ आप लोगों के साथ, सही है? इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग को मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग को मैं कर रहा हूँ स्टॉप,